आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज, जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में आपका स्वागत है। तो पटना एक समस्तीपुर का हथियार तस्कर गिरफ्तार, पड़ताल जारी। पत्रकार नगर खगड़िया मुखर्जी थाना क्षेत्र अंतर्गत संसारपुर हाला के समीप गुरुवार को तीन अंतरजिला हथियार तस्कर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना परिसर में प्रभारी एसपी अमरनाथ झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार $00 मुकेश कुमार बने सोजी पटना टीम के नेतृत्व में तीन अंतरजिला तस्कर को गिरफ्तार किया। प्रभारी एसपी ने कहा, गिरफ्तार तस्करों में चंदन कुमार पिता पोसो यादव बिलसन माधोपुर थाना बख्तियारपुर जिला फेटना, मनु कुमार पिता जगदेव राय साकिन मकडुमपुर थाना अथमलगोला जिला पटना तथा बिनेन्द्र कुमार पिता स्वशून्य खुशील कुमार राय साकिन दूधपुरा थाना मुफस्सिल जिला समस्तीपुर से स्कूली बैग से 315 बड़ा 450 पीस जिंदा काट उस 765 मिलीमीटर का 140 पीस जिंदा कारतूस जो कुल 590 पीस सभी पैकेट में मिला। उन्होंने बताया, गिरफ्तार तस्कर से इस संबंध में गहन पड़ताल जारी है। इधर ग्रामीणों के अनुसार घटित घटना के समीप जिला के आला अधिकारी पुलिस लाइन तथा कुछ ही दूरी पर मुफस्सिल थाना रहने के बावजूद हथियार तस्कर का हिम्मत करना चर्चा बना है। इधर यूएनओर के अनुसार के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, सटी इफ और खगड़िया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में धराया। अंत जिला गिरोह के तीनों तस्कर से हो रही है पूछताछ। सटी इफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने तीन अंत जिला तस्कर को 590 राउंड कारतूस के गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ये सटी इप को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन हथियार तस्कर भारी मात्रा में गोली लेकर जा रहा है। सियालोक में ये सटी इप और मुफस्सिल पुलिस ने तीनों हथियार तस्करों को अरेस्ट किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक अमरकांत झा ने बताया कि छापेमारी में चंदन कुमार। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना न भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।